हेलो रिवान वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे तो हम सीखेंगे उनके बेसिक यूज़ के बारे में उनका वर्किंग मेकेनिज्म और सीखेंगे उसके क्लासीफिकेशन और उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स के बारे में और करेंगे उनके डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी ये लेक्चर के अंदर तो एंटी अल्सर ड्रग्स के अंदर आप यहाँ पे कुछ टाइटल स्लाइड के अंदर एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे कि ये रेनेटिडिन के टैबलेट से मिसोपोरेस्टॉल के टैबलेट की जो 200 माइक्रोग्राम का टैबलेट है सुक्रालफेट का सस्पेंजन अवेलेबल होता है और प्रोफेन्थेलिन ब्रोमाइड के ये टैबलेट्स की जिसकी स्ट्रेंथ है फिफ्टीन एम तो ये सभी मेडिकेशंस के पास अल्सर एक्टिविटी है और उसके कारण अलग अलग टाइप के जो अल्सर होते हैं हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर उसको ट्रीट करने के लिए उसको क्योर करने के लिए और साथ-साथ वो ना हो मतलब कि प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं तो ये ऐसे मेडिकेशन हम कह सकते हैं कि जिनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पर जिसके कारण उनको कहा जाता है कि ड्रग एक्टिंग ऑन ए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक तो सीखते हैं डिटेल में एंटी अल्सल ड्रग्स के बारे में एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ़ फार्मारॉक्स थैंक यू फॉर बी इन वन लैक फैमिली ऑफ फार्मरॉक्स अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड द वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मरॉक्स तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स का एंड्रॉय एप्लीकेशन की जो गूगल प्ले स्टोर पर अगर आपके पास आईफोन है तो एप स्टोर पर से भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तब तो यहां पे आप ध्यान रखिए एंटी अल्सर एजेंट्स के बारे में या फिर उनको एंटी अल्सर ड्रग्स भी कहा जाता है तो दे आर ए क्लास ऑफ मेडिकेशन यूज इन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ ए अल्सर तो ये ऐसे मेडिकेशन है कि जो अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए और साथ उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम यूज़ करते कि जैसे कि यहाँ पे आप, आप देखिए कि जो ये स्टमक अल्सर प्रोड्यूस हुआ है तो ये स्टमक अल्सर को ट्रीट करने के लिए हम एंटी अल्सर ड्रग्स पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे तो एंटी अल्सर ड्रग्स आर यूजफुल इन मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टर्नल अल्सरेशन एंड रिफ्लक्स इसोफेगाइटिस मतलब कि ऐसे डिसीज़ के जिसके अंदर एसिड रिफ्लक्स होता है साथो साथ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर होने वाले अल्सर और जो गैस्ट्रो इंटर इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर जो अलग अलग अल्सर्स होते हैं साथ ही साथ हम कहते हैं कि ईसोफेगाइटिस होता है अल्सर प्रोड्यूस होता है तो वो सभी को ट्रीट करने के लिए हम ये मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करवाते हैं तो द मेडिकेशन विच ट्रीट ऑल टाइप ऑफ अल्सर अकर्स इन ए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक थस दे कॉल ए ड्रग्स विच आर एक्टिंग ऑन ए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक तो ये ऐसे मेडिकेशन की जो जी आई ट्रैक पर अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं तो यहाँ पे हम उसके बेसिक यूज समझे तो जो हमारा जी आई ट्रैक है तो जी आई ट्रैक के अंदर होने वाले जितने भी अलग अलग टाइप के अल्सर है वो सभी को ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशंस को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जैसे कि किसी को कॉलोन के अंदर अल्सर प्रोड्यूस होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है अल्सर स्मॉल इंटेस्टाइन डिओडिनम के पोर्शन में अल्सर होता है स्टमक में होता है या फिर ईसोफिगर्स के अंदर होता है कुछ लोगों को ये इलियम के पोर्सन में होता है रैक्टम के पोर्सन तो जितने भी अलग अलग एरिया है हमारे गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के वहाँ पे समझो कि अल्सर प्रोड्यूस होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए प्रिवेंट करने के लिए और उसके जो कारण होने वाले इरिटेशन, उसके जो सिम्टम्स है सभी में से पेशेंट को रिलीव करने के लिए ये एंटी अल्सर एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जब होता है क्रोन्स डिसीज़ होती है कि जिसके अंदर हम कहते कि इन्फ्लामेट्री बाउल डिसीज़ या फिर इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम होता है पैप्टिक अल्सर होता है डिओडिनम अल्सर होता है गैस्ट्रिक अल्सर होता है तो सभी के अंदर ये मेडिकेशंस काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होते हैं और उसके एग्जाम्पल हम देखें तो कई बार ये अल्सर होने का जो रीज़न होता है वो हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं तो उनके इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं एंटी अल्सर ड्रग के अंदर फिर हिस्टेमाइंस और उसमें भी एच टू जो है हिस्टेमाइंस के वो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को रिड्यूस करके अपनी एक्शन देते हैं तो वो भी इंक्लूड होते हैं और तीसरा एंटासिड की जो सिम्टोमेटिक रिलीफ कि कई बार एक्सेसिव एसिड के कारण एसिडिटी हो जाती है जब किसी को पैप्टिक अल्सर वगैरह होता है या फिर डिओडिनम अल्सर तो वो उसके सिम्टम्स में से रिलीफ देने के लिए भी एंटासिड साथ में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं तब उसका डिटेल फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप समझिए तो सबसे पहले है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर्स और उसके अंदर एच टू हिस्टेमाइनिंग्स जैसे कि सीमेटिड तो आपने ये सभी एजेंट्स की स्टडी पहले भी शायद की होगी तो आपको पता होगा कि जो एच टू एंटी हिस्टेमाइंस है कि हिस्टेमाइन एच टू रिसेप्टर एंटागोनिस जैसे कि सीमेटेड है फिर रेनिटिडिन है फेमोटिडिन है रॉग्जाटिडिन एंड निज़ाटिडिन तो सभी के नाम के पीछे आप देखिए यहाँ पे टिडिन लगता है टी आई डी आई एन ई तो ये आपको याद रखने के लिए कि ऐसे मेडिकेशन के सभी के नाम के पीछे जो टिडिन लगती है वो सब है हिस्टेमाइन एच टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और ये मेडिकेशन जैसे कि ये रेनी देख सकते जिसकी स्ट्रेंथ है 150 मिलीग्राम के अंदर है सीमिटेड इन फोर हंड्रेड के अंदर है तो ये टैबलेट प्रिस्क्राइब किए जाते हैं और वो अपना मेकेनिजम ऑफ एक्शन देंगे कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर्स के तौर पे वो काम करते तो उसकी मेकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से मेकेनिज़्म के ऊपर ये काम करते हैं तो ये ऐसे अल्सर एजेंट्स है कि जो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को इनहिबिट करके अपनी एक्शन देंगे तो ये है सीमेटिडिन रेनेटिडिन, फेमोटिडिन रॉग्जाटिडिन एंड निज़ाटिडिन उसी तरह से दूसरे एजेंट उसके अंदर कि जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं लाइक एंटीकोलिनर्जिक्स लाइक पायरेंजेपाइन है प्रोपेन्थेलिन है ऑक्सीफेनोनियम है, है फिर मिसोप्रिस्टॉल वगैरह है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग के अंदर मिसोप्रिस्टॉल के जो टैबलेट कि जिसकी स्ट्रेंथ है 200 हंड्रेड माइक्रो ग्राम और एंटीकॉलिनर्जिक्स जैसे कि पायरेंजेपिन प्रेन्थेलिन ऑक्सीफिनोनियम तो ये तीन एंटीकॉलिनर्जिक्स के तौर पे काम करते कि एंटीकोलिनर्जिक्स विच आर एक्ट एज अ एंटी अल्सर ड्रग और उनका भी यही मेकेनिज़म ऑफ एक्शन है कि जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इनहिबिट करती है उसके बाद यूज़ होने वाला जो पॉपुलर मेडिकेशन क्लास है वो है गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स कि जिसको हम एंटासिड्स कहते हैं तो एंटासिड की जो यूज़ होते हैं एज अ अल्सर कि जो एसिड सिक्रेशन को जो होता है एक्सेस उसको न्यूट्रलाइज करके अपनी एक्शन देते जिसके कारण उनको कहा जाता है कि गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर और वो एज अ एंटासिड एंटी एसिड के तौर पे काम करते हैं एंटी एसिड और एंटी एसिड मतलब कि एंटासिड के तौर पे काम करके वो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे और उसके एग्जाम्पल हम देखें तो सिस्टेमेटिकली जो यूज़ होने वाले जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट है सोडियम साइट्रेट है फिर नॉन सिस्टेमिक के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम ट्राई सिलिकेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एन मागालड्रेट कैल्शियम कार्बोनेट तो यहाँ पे देखते हैं कि जो हम एंटासिड सिरप्स वगैरह देखते हैं कि मागालड्रेट होता है डाइमेथिकॉन या फिर सीमेथिकॉन होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है और कई बार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम ट्राई भी कॉम्बिनेशन में होते हैं और जिसको हम फेमसली कहते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नेशिया मिल्क ऑफ मैग्नेसिया की जो आप सिटिक्स के अंदर भी प्रिपरेशनस के अंदर बनाते हैं फार्मास्यूटिक्स के प्रैक्टिकल के दौरान कि ये मिल्क ऑफ मैग्नेसिया तो ये सब यूज़ होते हैं एज अ अल्सर एजेंट और सिस्टेमेटिकली अंदर ये सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम साइट्रेट और उसका ये फेमस एक ब्रांड कि जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज़ इनो की जिसके एफरवेसेंट पाउडर्स होते हैं तो ये एफरवेसन पाउडर के अंदर मेन इंग्रेडिएंट होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट होता है साइट्रिक एसिड होता है टार्ट्रिक एसिड होता है और वो एफरवेसेंट पाउडर के फॉर्म में होता है और वो भी एंटासिड के तौर पर काम करता है फिर एंटीअल्सर के अंदर तीसरे ऐसे एजेंट कि जो अल्सर को प्रोटेक्टिव अल्सर प्रोटेक्टिव एक्टिविटी देते हैं जैसे कि सुकराल फैट है कोलोइडल बिस्मथ सबसेट्रेट है कि जिसको सी कहा जाता है तो यहाँ पे आप सी के टैबलेट्स देख सकते हैं और यहाँ पे है कैफेट करके जो सस्पेंशन है कि जिसके अंदर सुकराल फैट है 500 मिलीग्राम एन ऑक्जेटेक एन है 10 मिलीग्राम तो ये जो सस्पेंशन है वो अल्सर प्रोटेक्टिव्स के तौर पे अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा और धीरे धीरे अल्सर को हीलिंग करने में हेल्प करता है चौथा एजेंट है उसके अंदर वो है एंटी एच पायलोरी मतलब कि जो हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया जो होते हैं और उनके कारण समझे कि आपको पैप्टिक अल्सर हुआ है गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी ये एंटीबायोटिक्स ये एच पायलोरी को डायरेक्टली कील करेंगे और अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देंगे जैसे कि एमोक्सीसिलिन है क्लैरिथ्रोमाइसिन है मैट्रोनिडाजोल टीनी डोलैन टेट्रा तो ये सब एंटीबायोटिक ऐसे हैं कि जो एन एच पायलोरी उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन है और हेलिकोबाक्टर पायलोरी को आपकी बॉडी में से बाहर निकल देंगे जिसके कारण पेप्टिकल्सर जो है वो और ज़्यादा नहीं फैलेगा और धीरे धीरे फिर दूसरे मेडिकेशन को यूज़ करके आप उसके कारण हुआ जो डैमेज है उसको क्योर करवाएँगे तो ये थे अल्सर एजेंट्स और तो यहाँ तक जो आपने सीखा वो मेन मेडिकेशंस की जो अल्सर एजेंट के तौर पे काम करते हैं अब एक और ऐसा क्लास है कि जो अल्सर एक्टिविटी देता है और वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या करते हैं आपके बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव एसिड जब सीक्रेट होता है तो उसको इनहिबिट करवाने का काम करते कि यहाँ पे जो साइड में जो डायग्राम है उसके अंदर आप देखते हैं कि जब एसिड का जो प्रोडक्शन होता है और उसके अंदर ये प्रोटॉन पम्प्स हेल्प करते हैं तो जब ये प्रोटॉन पम्प्स को हम इनहिबिट कर देते हैं तो एक्सेसिव गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन नहीं होता सो जब अल्सर होने का रीज़न ये है कि एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस होने के कारण किसी को अल्सर हो रहा है कि यहाँ पे ये यह जो आप देख सकते हैं गैस्ट्रिक एसिड तो ये एसिड समझो कि एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होता है और वो कई बार आपके ईसोफेगस में भी जाता है और वहाँ पे भी ईसोफेगस के लाइनिंग्स वगैरह को डैमेज करता है और आगे जाके वहाँ पे अल्सर फॉर्म करता है तो ऐसे केसेस के अंदर के पेशेंट को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की जाती है कि जो क्या करेगी ये एक्सेसिव एसिड जो प्रोड्यूस होता है उसको स्टॉप करवाएगा कि यहाँ पे लिखा है कि प्रोटोन पम्प इन्हीबिटर्स ऑफ द प्रोटोन पम्प्स एंड रिड्यूस द एसिड इन अ स्टमक स्टमक के अंदर जो एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस होता था उसको कम करवाएंगे और जिसके कारण पेशेंट के अंदर जो एक्सेसिव एसिड के कारण समझो कि पैप्टिक अल्सर होता है गैस्ट्रिक अल्सर होता है तो वो धीरे धीरे जो है वो कम हो जाएगा एंड आगे जो दूसरे मेडिकेशंस हमने देखे वो देकर आप उसको गैस्ट्रिक अल्सर या फिर पेप्टिक अल्सर में से रिलीफ दिलवा सकते हैं तो प्रोटोन पॉप इनहिबिटर्स के अंदर आएगा ओमीप्राजोल ईसोमीप्राजोल लेंसोप्राजोल है पेंटोप्राजोल, फिर रेबीप्राजोल एंड डेक्स्ट्राबीप्राजोल तो ये सभी प्राजोल्स आप देख सकते हैं कि सभी के नाम के पीछे है ये प्राजोल तो ये सभी प्राजोल्स प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास के मेडिकेशंस कहे जाते हैं और उनके पास भी ये एंटी अल्सर एक्टिविटी है तो ओ जो अवेलेबल है कि डायरेक्टली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे एंटी अल्सर एजेंट जैसे कि ओमीप्राजॉल है ईसोमीप्राजोल लेंसोप्राजॉल फिर जैगेरिड की जो ओमिप्राजोल विद सोडियम बाइकार्बोनेट आल्सो अवेलेबल ओवर द काउंटर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो लेंसोप्राजोल 30 एम के अंदर ओमीप्राजोल 20 एम का टैबलेट यूजली रहता है तो ये आपको ओवर द काउंटर बिना प्रिस्क्रिप्सन पे भी मिल जाएंगे फिर उसके डोजेस के हम देखें तो ओमीप्राजोल 20 मिलीग्राम डोज जो है वो इक्विवेलेंट रहता है वही पेंटोप्राजोल का 40, ईसोमीप्राजोल 30, लेंसो 30 एंड रेबीप्राजोल 20 एम में भी अपनी इफेक्ट देता है फिर प्रिस्क्रिप्शंस ड्रग देखे तो वो है रैबीप्राजोल है पेंटोप्राजोल एंड डैक्सलानसोप्राजोल तो ये तीन मेडिकेशंस को लेने के लिए प्रिस्क्रिप्शन की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये रहते हैं आर एक्स कि प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के प्रिस्क्रिप्शन और सुपरविजन के साथ ही आपको ये तीन प्रोटोन पम्प इन्हीबिटर्स यूज करने होते हैं तब साइड इफ़ेक्ट्स जाने तो एंटी अल्सर एजेंट्स जो हमने देखे उनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे आपको कई बार हेडेक वगैरह होता है नोज़िया वॉमिटिंग फील होता है कुछ केसेस के अंदर डायरिया या फिर इन सम केसेस कॉन्स्टिपेशन के कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है फिर एंटासिड्स यूज़ मे कोज ए माइनर राइज इन यूरिनरी पी एंड रेयरली कैल्शियम सॉल्ट कोस हाइपर तो हाइपर तो रेयरली है बट माइनर राइज करता है आपके यूरिनरी पीएच को इफ़ यूज द एक्सेस देन दे मे कोस द किडनी डैमेज अगर एक्सेसिव यूज करता है मतलब कि जैसे कि प्रोटोन पम्प इनहिबिटर है एंटीअल्सर्स के अंदर तो उसको कोई पेशेंट एक्सेसिव यूज़ कर लेता है तो उसके कारण उसके किडनी डैमेज हो सकते सेम लाइक दैट उनके ओवर डोज या फिर एक्सेसिव यूज़ करने के कारण लीवर के ऊपर असर पड़ सकता है ब्रेन के फंक्शन पे ऊपर असर पड़ता है एज वेल एज़ आपके बॉन्स के ऊपर भी उनकी असर होती है और बॉन फ्रैक्चर जैसे भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं कि अगर आप उनको एक्सेसिव अमाउंट के अंदर ओवर डोज के अंदर यूज़ करते हैं तो ये सब साइड इफेक्ट है एंटी अल्सर एजेंट्स के तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर फार्मारॉक्स के जो लेक्चर नोट्स वगैरह है पीपीडीज़ होती है पी होते हैं वो आपको फार्मारॉक्स के मोबाइल ऐप पर मिल जाएंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप ये वाला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हैं फिर यूज़ कर सकते हैं ऐप फार्मारॉक्स की जहाँ पे आप एक्सेस कर पाओगे आप स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड अ वीडियो लेक्चर तो जरूर से डाउनलोड करिए आप फार्मारॉक्स और एक्सेस करिए ये सब कोर्सेज को गुड लक एंड ऑल द बेस्ट